जब कोई इंसान परेशानी के समय में होता है तो उसके पास दो ही चॉइसेस होती हैं। पहली कि वो परेशान होके, निराश होके बैठ जाए और अपने हालातों से समझौता कर ले। दूसरी, वो खड़ा हो, लड़े और अपने हालात बदल दे। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे, आज हम डीमार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन डीमार्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है डीमार्ट क्रिएट करने वाले यानी राधा किशन दमानी के बारे में जानना। कौन है राधा किशन दमानी? क्यों इन्हें वॉरेन बफे ऑफ इंडिया या रिटेल किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है? फोर्ब्स लिस्ट में 98th पोजीशन पे ही इज वैल्यूड एट $1.1 बिलियन, एब्सोल्युटली फ्रॉम जीरो वेल्थ। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं और इनके बारे में जानते जानते हम ये जानेंगे कि कैसे इन्होंने डीमार्ट बनाया और डीमार्ट के सक्सेसफुल होने का क्या कारण है। लेकिन मैं स्टार्ट करूं वीडियो, उससे पहले मैं क्रेडिट्स देना चाहूंगी मेरे ही एक सब्सक्राइबर को जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था डीमार्ट के बारे में बनाने के लिए वीडियो। डीमार्ट के बारे में वो कुछ फैक्ट्स चाहती थी, कौन है वो ये जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं राधा किशन दमानी की कहानी। तो होता क्या है कि ये ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं कॉमर्स में, फर्स्ट ईयर तक सब ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद ये ड्रॉप आउट कर जाते हैं और अपने फादर का बॉल बियरिंग बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, हालात हर किसी के थोड़े थोड़े मुश्किल आते हैं, तो इनके साथ भी यही होता है। इनके फादर की डेथ हो जाती है जब ये 32 ईयर्स के होते हैं और अब इनसे बिजनेस नहीं संभलता है, तो अब ये क्या करते हैं? अब ये स्टेप करते हैं या ये कदम रखते हैं स्टॉक मार्केट में। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। आप कंफ्यूज मत होइए, आप सोचेंगे कहाँ मैं रिटेल बिजनेस की बात करने वाली हूँ, कहाँ इन्होंने तो स्टॉक मार्केट में कदम रख लिया है। वेल, ये स्टोरी इन्हीं की है, क्योंकि डीमार्ट क्रिएट करने से बहुत साल पहले तक ये स्टॉक मार्केट में आ गए थे और छा भी गए थे। क्या इनकी फिलॉसफी रही थी? इनकी फिलॉसफी थी लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म यानी ये ऐसे शेयर्स खरीदना पसंद करते थे जिनमें इन्हें पोटेंशियल तो दिखता था, लेकिन इन्हें पता होता था कि बाकी लोग ये नहीं खरीद रहे हैं, और ये शेयर्स खरीद के वो रख लेते थे लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म फिलॉसफी में बिलीव करते करते, कछुए की चाल चलते चलते, ये स्टॉक मार्केट में इतने पॉपुलर हो गए कि इन्होंने मेंटर किया राकेश झुनझुनवाला को भी, और पॉपुलैरिटी इतनी हासिल हो गई, वेल्थ बन गई और बहुत ज़्यादा कमाई अच्छी हो गई, सक्सेसफुल थे। लेकिन अचानक से एक दिन दिमाग फिरा, ऐसा लगा कि यार रिटेल बिजनेस में आना है। तो ये कदम पहले कैसे शुरुआत करते हैं रिटेल बिजनेस या रिटेल इंडस्ट्री में आने की? ये सबसे पहले अपना बाजार की फ्रेंचाइजी खरीदते हैं और उनका स्टोर ओपन करते हैं एक। लेकिन उसके बाद भी इन्हें चैन नहीं आता, ये US जाते हैं, वॉलमार्ट की फंक्शनिंग देखते हैं, वॉलमार्ट का सारा एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं कि वॉलमार्ट अपने प्रॉफिट कैसे कमा रहा है। और यहीं पे 2002 में शुरुआत होती है डीमार्ट के पहले स्टोर की, जो कि खुलता है मुंबई में। यहाँ पे डीमार्ट माना जाता है वन स्टॉप सॉल्यूशन, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि डीमार्ट में आपको होम अप्लायंसेस, शॉपिंग किचनवेयर, टॉयलेटरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट, फुटवेयर, टॉयज, स्टेशनरी, एंड यू जस्ट नेम इट एंड यू हैव इट ऑल अंडर वन रूफ। इसी वजह से डीमार्ट धीरे धीरे पॉपुलर होने लगता है। लेकिन डीमार्ट के सक्सेसफुल होने के पीछे तीन स्ट्रॉन्ग पिलर्स रहते हैं। बात करते हैं उन तीन स्ट्रॉन्ग पिलर्स की। क्या होते हैं वो तीन स्ट्रॉन्ग पिलर्स जो कि डीमार्ट को सक्सेसफुल बनाते हैं? सबसे पहला, कस्टमर्स। कस्टमर्स कैसे? डीमार्ट पॉपुलर है डेली डिस्काउंट्स के लिए। तो यानी डीमार्ट के जो कंपेटिटर्स हैं वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं फेस्टिव सीजन में या एंड ऑफ सीजन सेल दे देते हैं वो, लेकिन डीमार्ट बिलीव करता है कस्टमर्स को डेली डिस्काउंट देने में, क्योंकि कस्टमर की वैल्यू फॉर मनी निकालने में डीमार्ट का पूरा पूरा भरोसा रहता है। लेकिन ये डिस्काउंट्स कैसे ऑफर होते हैं? बहुत सारे रीज़न हैं कि कैसे डीमार्ट डिस्काउंट ऑफर कर पाता है, बट फॉर द टाइम बीइंग जो मेजर रीज़न रहता है वो ये कि जो 90% ऑफ द स्टोर्स हैं डीमार्ट के, वो डीमार्ट खुद ओन करता है, डीमार्ट रेंट नहीं करता है, जिस वजह से उसकी रेंटल इनकम बचती है। और क्योंकि वो स्टोर्स खुद खरीद रहे हैं, वो लैंड खुद परचेज कर रहे हैं स्टोर बनाने के लिए, तो उनकी असेट बिल्डिंग होती रहती है, जिस वजह से डीमार्ट के मार्जिन्स बढ़ते हैं और डीमार्ट कस्टमर्स को डेली डिस्काउंट ऑफर कर पाता है। कस्टमर पहला पिलर, डन। दूसरा पिलर रहता है वेंडर्स। तो जो हमारे दमानी साहब हैं वो जाने जाते थे बहुत ही अच्छे ट्रेडर होने के लिए। अब ट्रेडर कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वेंडर के साथ रिलेशनशिप तो अच्छा लाजमी है आपका। तो ये कैसे होता है? आपके FMCG इंडस्ट्री में पेमेंट का एक क्रेडिट पीरियड रहता है, कुछ क्रेडिट डेज रहते हैं, 12 से लेके 21 दिन। लेकिन हमारा डीमार्ट फेमस था 11th डे पे ही पेमेंट करने के लिए, यानी क्रेडिट पीरियड से पहले पेमेंट करने के लिए। इससे दो फायदे होते थे। सबसे पहला, आप वेंडर्स की गुड बुक्स में रहते थे। दूसरा, क्योंकि आप जल्दी पेमेंट कर देते थे, इस वजह से आपको मार्जिन्स मिलते थे, आपको प्रॉफिट मिलता था, आपको कुछ बेनिफिट मिलता था वेंडर्स से। वेंडर्स कहते थे कि क्रेडिट पीरियड से पहले अगर आप पेमेंट करेंगे तो हम आपके मार्जिन कुछ बढ़ा देंगे, जो कि हेल्प करता था डीमार्ट को प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करने में और इसी के साथ साथ और डिस्काउंट्स कस्टमर को ऑफर करने में। तीसरा पिलर है एम्प्लॉयज़, यानी
बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप, बहुत ही अच्छा वर्किंग कल्चर, इसी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा कि डीमार्ट को ये नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए यहाँ का एम्प्लॉय बनने के लिए. आपका एटीट्यूड राइट होना चाहिए, आपका स्पिरिट कम्पिटिटिव होना चाहिए, और अगर आप 10th ड्रॉप आउट भी हैं तो भी डीमार्ट आपको हायर करेगा. क्योंकि डीमार्ट की स्ट्रैटेजी ये रहती है कि आप रॉ टैलेंट है, रॉ टैलेंट में हम हैवीली इन्वेस्ट करेंगे ट्रेनिंग में, और उनकी ट्रेनिंग करके हम उनको अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे. और इसी तरह डीमार्ट अपने एम्प्लॉयज़ को मोल्ड करता है अपने तरीके से. ये तीन पिलर्स बहुत स्ट्रांगली वर्क करते हैं डीमार्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए. लेकिन बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले डीमार्ट इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल कैसे हो गया, इतनी जल्दी उसने प्रॉफिट की ऊंचाइयों को कैसे छू लिया. अगर आप देखेंगे डीमार्ट को और कंपेयर करेंगे कंपेटिटर्स को, तो डीमार्ट उनसे 6-7% प्राइस कम करके देता है अपने कस्टमर्स को, जिस वजह से कस्टमर्स प्रेफर करते हैं डीमार्ट जाना. लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है, इसके कुछ रीजंस हैं. आइए वो रीजंस हम जानते हैं. सबसे पहला रीज़न, जैसे कि मैंने बताया, डीमार्ट बिलीव करता है लैंड परचेज करने में, और अगर लैंड नहीं परचेज कर पा रहे तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए लीज करने में, ना कि लैंड को रेंट करने में. इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द डीमार्ट स्टोर्स आर ओन्ड बाय देम ओनली. अप्रॉक्सीमेटली 91% स्टोर्स डीमार्ट खुद ओन कर रहा है, जिस वजह से डीमार्ट बचाता है अपनी वो जो हाई रेंट्स होते हैं, रेंटल इनकम, अपनी एसेट बिल्डिंग पे फोकस करता है, पैसे बचाते हैं, और वही पैसे फिर वो लगाते हैं कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर करने में. इसी के साथ जो अगला रीज़न है वो ये आ जाता है कि डीमार्ट अवॉइड करता है ओपनिंग देयर शॉप्स इन मॉल्स. क्यों? क्योंकि कॉमन एरिया मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है मॉल्स में. इसी तरह मॉल्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड रेंट्स होते हैं. अगर आप मॉल में ओपन नहीं करेंगे तो आप ये वाली अपनी कॉस्ट बचा लेंगे, और आप इन चीज़ों से बचेंगे, आप बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट नहीं देंगे यहाँ पे, तो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बचेंगी, जो कि मदद करेंगी वापस से कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर करने में और आपके प्रॉफिट में ऐड करने में. इसी के साथ अगला रीज़न है, डीमार्ट ओपन करता है अपने स्टोर सबर्ब्स में, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में. यानी यहाँ पे क्या होता है, डीमार्ट को एक प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, डीमार्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगती, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है. इसी के साथ जो अगला रीज़न आ जाता है वो ये होता है कि डीमार्ट अपना 2-3% बचा लेता है क्रेडिट पीरियड से पहले पेमेंट करके सेलर्स को. क्रेडिट पीरियड, जैसे कि हमने देखा, क्रेडिट पीरियड होता है 12-21 days, लेकिन डीमार्ट बिलीव करता है कि उससे पहले ही पेमेंट कर दी जाए सेलर को, जिससे वो 2-3% मार्जिन अपना बचा ले, जो कि उसको प्रॉफिट ऐड करने में मदद करे. इसी के साथ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बचा लेता है डीमार्ट अपनी. कैसे? क्योंकि डीमार्ट जब डेली डिस्काउंट ऑफर करता है, कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं, तो कस्टमर्स जाके बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं ये बात कि हम तो ये चीज़ इतने सस्ते मिला है, और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी डीमार्ट को यहाँ पे मिल जाती है. तो ये कुछ कारण बन जाते हैं डीमार्ट के सक्सेसफुल होने के, डीमार्ट की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होने के. तो अब देख लेते हैं 2002 में डीमार्ट का जब पहला स्टोर मुंबई में आया था, वहाँ से लेके अब तक डीमार्ट कैसे एक्सपैंड किया. 2002 में जैसे कि हमने देखा, मुंबई में डीमार्ट का पहला स्टोर आता है. इनिशियली दमानी जी फोकस करते हैं प्रॉफिट क्रिएशन पे, ना कि एक्सपेंशन पे. लेकिन 2007 आते आते धीरे धीरे स्टोर्स एक्सपैंड होने लगते हैं, और अहमदाबाद में और बहुत सारी जगह से, पुणे में, शोलापुर में, बहुत जगह यहाँ पे धीरे धीरे हमारे जो डीमार्ट के स्टोर्स हैं वो ओपन होने लगते हैं. 2013 में आते आते क्या होता है यहाँ पे कि 2012-13 में डीमार्ट को बोला जाता है थर्ड लार्जेस्ट ब्रांडेड रिटेलर. यानी आप देखेंगे डीमार्ट सिर्फ और सिर्फ 65 स्टोर्स होते हैं उस टाइम पे डीमार्ट के. अगर आप कंपेटिटर्स से कंपेयर करेंगे, कंपेटिटर्स के बहुत ज़्यादा स्टोर होते हैं, दैट टू पैन इंडिया. डीमार्ट के उस टाइम पे सिर्फ 65 स्टोर्स होते हैं, वो भी मेजरली जो होते हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात में होते हैं. और इन लिमिटेड स्टोर्स के साथ भी डीमार्ट बन जाता है थर्ड लार्जेस्ट रिटेलर, ब्रांडेड रिटेलर. तो ये सक्सेस स्टोरी शुरू होती है यहाँ से. उसके बाद 2014 आते आते 73 स्टोर्स हो जाते हैं. अब यहाँ पे स्टोर्स बैंगलोर में भी देखने को मिलेंगे आपको, कर्नाटका में भी देखने को मिलेंगे. धीरे धीरे स्टोर्स और खुलने लगते हैं, और करंटली आप देखेंगे तो डीमार्ट के 91 स्टोर्स हैं इन अप्रॉक्सीमेटली 26 सिटीज, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, और ऐसे ही बहुत सी जगहों पर डीमार्ट अपना जो सक्सेस की स्टोरीज है वो लिखे जा रहा है. जब से डीमार्ट खुला है पहला स्टोर 2002 में, तब से लेके 91 स्टोर्स तक डीमार्ट का आज तक एक भी स्टोर बंद नहीं हुआ है. और रिसेंटली डीमार्ट इंडिया में एक पहला ऐसा रिटेलर बना है जिसने बिलियन डॉलर की प्रॉफिटेबिलिटी क्रॉस की है. तो ये आप सब देखेंगे जब, तो आपको पता लगेगा कि दमानी जी ने कैसे सक्सेस की अलग ही ऊंचाइयों को छू लिया, और कैसे एक स्टॉक मार्केट से आया हुआ इंसान रिटेल इंडस्ट्री में कदम रखता है और रिटेलर, बेस्ट रिटेलर, वन ऑफ द बेस्ट रिटेलर्स बन जाते हैं. इतना ज़्यादा कि वो बहुत ही पॉपुलरली इंडिया में रिटेल किंग के नाम से जाने जाते हैं.
तो थैंक्स बोलना चाहूँगी मैं यहाँ पे मिशफाली सिंघल को, जो कि वन ऑफ आर वेरी प्रेशियस सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताया था कि वो डीमार्ट पे वीडियो देखना चाहती हैं। इसी तरह उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, और अगर आपके माइंड में और कोई भी ऐसा टॉपिक है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक पे वीडियो बना के उस वीडियो में आपको क्रेडिट्स दे पाऊँ। अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।